हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई जैसे कि मैं आया हूँ नोएडा में, सुबह सुबह बाहर निकलते क्या जबरदस्त नज़ारा दिखा कि यार देखते ना दिल खुश हो गया। रात को तो 1 बजे पहुँचे थे, तब तो नज़र आया नहीं अंधेरे में, और सुबह देख रहा तो क्या जबरदस्त नज़ारा यार यहाँ पे। चलो अब चलते हैं यात्रा में, सुबह सुबह ऐसा नज़ारा दिख जाए तो शुरुआत ही ऐसे तो पूरा दिन कैसे बीतेगा। चलो आगे चलते हैं गाइस। सुबह सुबह देखो गाड़ी के ऊपर कितनी फोग पड़ी हुई है, ये देखो भाई साहब, ये देखो। रात इतनी ठंडी होती है राजस्थान में, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ना उतनी ही आग बोलने लगे सूर्य देवता। यात्री चलते हैं अपनी यात्रा पे मंजिल की तरफ, और हम भी चलते हैं सेवा में। दोपहर निकल गए हैं बाबा की यात्रा पे। तो जहाँ तक नज़र जा रही है ना, लोग एक तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं भाई साहब, क्या जबरदस्त नज़ारा। जय बाबा, इधर तो एक छोटी सेवा लगी हुई है, वहाँ चल रहा है म्यूजिक। और चलो हम भी चलते हैं अपनी सेवा में। जय बाबर भाई जी, दीपक जय बाबर। क्या मस्त नाश्ता मिल रहा है, देखो एकदम गर्मा गर्म। अरे वाह, लाइन देखो भाई, जय बाबरी बाबू जी। इतनी जबरदस्त सेवा चल रही है, देखो यार एकदम दिल्ली से आए सब, एकदम गर्मा गर्म नाश्ता मिल रहा, चका चक भाई साहब, क्या सेवा है। लाइव कोफ्ता पुलाव, क्या चीज है जो यहाँ नहीं है भाई साहब। अभी सुबह के 10 बजे हैं, सुबह 10 बजे का ये नज़ारा, कितनी लंबी लाइन लगी है। जय बाबा रामदेव से वशिष्ठा दिल्ली, क्या सेवा है यार आपकी, कमाल है गाइस। अभी 10 मिनट पहले कितनी भयंकर धूप निकल रही थी, अब देखो यार कितने काले बादल आ गए हैं। और जैसे कि यहाँ पे हर साल एक दो दिन तो ऐसे होता ही है, एकदम मौसम ऐसे बदलता है। ये देखो यार कितने जबरदस्त काले बादल, और कोई पता नहीं कि अभी थोड़ी देर में ही एकदम भयंकर बारिश भी होने लगी। लास्ट ईयर भी जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, इतना बढ़िया मौसम था, जो आंधी तूफान आया था भाई, वो याद करते ना फिर डर लगता है। अभी तो कितना देखने में कितना लाजवाब मौसम लग रहा है, लेकिन अगर आंधी तूफान आ गए ना तो यही मौसम इतना खतरनाक हो जाएगा कि अभी तो सोच रहे यार क्या मौसम आ गया, फिर लगेगा यार क्या आफत आ गई है भाई, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। पर जो भी है एक नंबर, उस टाइम इतना बढ़िया मौसम हो गया, वरना तो अभी तो वह इसी के अंदर से हटने को मन ही नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी। आज वाकई बहुत गर्मी है, लेकिन अभी एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, और मौसम जैसे मैंने आपको दिखाया ना लाजवाब, इसे कहते हैं राजस्थान का मौसम, कब पल में बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। अभी इतनी धूप और इतना बढ़िया मौसम। चलो अब ज़रा चाय का मज़ा लेते हैं यार, कुछ खाते पीते रहते हैं यहाँ का, तो ये बहुत बढ़िया, सेव में सेव भी करते रहो और खाते पीते भी रहो। तो चलो चाय पीते हैं और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं। और अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे रात हो गई है, और अभी यहाँ पे इतनी बढ़िया लाइटिंग हो रही थी कि धूप निकली हुई थी। कितनी ज़बरदस्त सेवा है यहाँ पर, इतना अच्छा अरेंजमेंट है। इस साइड में देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, बाहर का मौसम लाजवाब। अभी तो मैं लाजवाब कह रहा हूँ, अगर जो बारिश नहीं आई तो बहुत लाजवाब, और बारिश आ गई तो यही लाजवाब ना, फिर एकदम मुसीबत का रूप ले लेगी। और ये देखो यार, देखो भाई साहब इतना जबरदस्त यहाँ का इंतजाम है, और जब मौसम इतना बढ़िया है तो बहुत ही एकदम सोने पे सुहागे जैसे कहते हैं वो हो जाएगा। जय बाबेरी भाई जी, जय बाबेरी। आज तो सुबह से चाय में सेवा में है पूरे, मुझे तो आप ही ले रहे हो भाई साहब। ये देखो यार सामने जो लाइटिंग दिख रही है ना, ये देखो झुमका दिखा रहा है, ये लग रहा है कि वहाँ पे बारिश पड़ रही है। यहाँ पे दूर तक का ऐसा नज़ारा दिखता है ना, और ऊपर कितने काले बादल हो गए हैं। अभी 10 मिनट में ही मौसम में रंग बदला है, अभी जो कि हम खड़े नहीं हो पाते धूप के अंदर। ये देखो
ऐसा ही मौसम रहे तो बहुत ही बढ़िया, अगर ये कहीं बारिश आने लगी ना तो बस यही फिर खतरनाक मौसम लगेगा। भाई साहब इधर हो गया कुल्फी की सेवा शुरू, हो रही देखो कितना फास्ट काम होगा, अब इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, 10 मिनट में सारी लाइन सब चट हो जाएगी। ये देखो कुल्फी के लिए कहाँ तक लाइन लगी है। ये देखो गाइस, ये 10-12 टेंट लगा के ना यहाँ पे एक छोटी सी टेंट सिटी, यहाँ पर चारों तरफ 20-25 किलोमीटर के अंदर ना कुछ भी नहीं है, छोटा मोटे गांव है यहाँ पे, जैसे एक आगे नोखड़ा गांव है वो फितरत है, बाकी कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन ये देखो ना यार कितना शानदार, एकदम ऐसे लगता है कि टेंट सिटी में आ गए हो, इतना लाजवाब इंतजाम होता ना, एक नंबर इसे कहे ना। अरे ये सारा होता है बाबा रामदेव संस्था दिल्ली वालों की तरफ से, इतना बढ़िया इंतजाम। और ये मैं आपको अंदर से टेंट का टूर देता हूँ, बाहर से तो कुछ इस तरह से है और अंदर देखो यार, यहाँ से एंट्री करते हैं और ये देखो इधर एसी चल रहा है। आदित्य कुशागर मजे ले रहे हैं एकदम, क्यों कुशागर मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आके तो लगता है यार। और ये अंदर इसके साथ में अटैच बाथरूम है, ये देखो यार ये सामने तैयार होने के लिए कंघी वगैरह करने के लिए इतना शानदार ये मिरर। और नहाने के लिए शावर लगे हैं और फ्रेश होने के लिए इधर। आप जो कहोगे मैं क्या दिखा रहा हूँ, लेकिन जो भी है बाबा रामदेव संस्था वालों को ना हर चीज एक नंबर से कहे ना यार, सेवा भी इतनी बढ़िया, हर चीज का इंतजाम कितना जबरदस्त ना नज़ारा, मतलब यहाँ आके एक अलग ही फीलिंग होती है, लगता है यार कहीं अलग ही आ गए हो। और 2-4 दिन तो यहाँ पर ऐसे बीत जाते हैं पता नहीं लगता, कैसे लगता कल की तो बात है हम आए थे और बस वक्त निकल गया, कभी सेवा करते रहते हैं कभी यहाँ पे सेवा का आनंद हम भी खुद लेते रहते हैं। ये हमारे मित्र महाराज इस सेवा के एक नंबर सेवादारों में से एक नंबर, जय बाबा महाराज। और सेवा सही चल रही है, महाराज की कोई ताकत नहीं, अरे सब बाबा की ताकत। ये देखो बाबा रामदेव सेवा संस्था दिल्ली वालों ने इतनी शानदार सेवा होती है ना यार, नशा होता है किसी को, दारू का नशा होता है किसी को, कुछ किसी चीज का, हमें सेवा का नशा है, बार बार सही बात हो रहा है, इंतजार करते हैं कब आएगा बाबा का टाइम। और ये देखो इतनी बड़ी किचन है, ये यहाँ पर काम चलते रहता है, ये इस तरह की 3-4 किचन है, खाली एक नहीं है। ये इधर इधर ये सब, ये देखो यार मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं, हर चीज एकदम फ्रेश सभी बनती है। ये देखो कलाकंद बन रहा है यहाँ पे, इतना गजब यार। इधर ये सेवादारों के लिए नाश्ता खाने के लिए इंतजाम होता है, ये देखो यार सुबह सुबह का टाइम है नाश्ते में, ये सैंडविच बर्फी मालपुआ उपमा हर चीज, मतलब आप कुछ भी मुंह से निकालो ऐसे कुछ नहीं कहो यहाँ पर हाजिर ना, राजस्थान के अंदर इस जगह में आकर इतना बढ़िया इंतजाम। ये अंदर मेन हॉल से डाइनिंग हॉल कहें या पूरा संगत हॉल कहें जो भी है जो भी नाम दें, ये देखो इसके अंदर 500-700 लोग एक साथ बैठ के ना खाना भी खा लेते हैं, और कभी मौसम खराब हो तो उनके रुकने की व्यवस्था भी है। ये सब लोग बाबा का प्रसाद ले रहे हैं, ये इतने लोग आराम से बैठ के इतना बढ़िया, आप देख रहे हो कहीं भी कोई गंदगी नहीं, इतनी साफ सफाई का ख्याल यार ऐसा बहुत कम मिलता है कि इतने लोग आए और इतनी साफ सफाई देखने को मिले, वरना कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है हर जगह पे। और ये सामने बाबा का इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर बाबा का मंदिर जो कि अभी आरती की तैयारी चल रही है, वो आरती होने वाली है, सुबह शाम दोनों टाइम बाबा की आरती होती है यहाँ पर। और इधर लगा हुआ है भक्तों के लिए मनोरंजन के लिए डीजे, यार जब ये बजता है ना तो बस ऐसा लगता है यही बज रहा है, जिसे अगर नाचना नहीं आता उसके पैर भी अपने आप थिरकने लगते हैं यार। और इधर दिखाता हूँ ये यहाँ पर,
इधर ये मेडिकल सेवा चलती रहती है हमेशा। जो भी पैदल जाते हैं पैर में छाले पड़ जाते हैं, कोई दिक्कत होती है, हाथ के हाथ ड्रेसिंग होती रहती है। जैसे कि जय बाबर भाई जी। इधर भाई 24 घंटे अपनी सर्विस देते रहते हैं। ये देखो यार के चेहरे पे थकान लग रही है, 24 घंटे सेवा देने के बाद भी ना एकदम फ्रेश है बाबरी भाई जी। ये तो हमारे ऑल इन वन है ये भाई जी। तो देखो यार हमेशा जब भी देखे ना काम करते हुए नजर आएंगे। ये देखो ये हमेशा सेवा में यही सेवादार नजर आते हैं और हमेशा दिल से खुश होकर काम करते हैं। जय बाबरी भाई। ये इधर पैदल यात्री पैदल चल के आ रहे ना, ये कभी भी ऊपर नहीं बैठते यात्रा में। ये कहने वाली बात है कि जो भी पैदल यात्री होता है वो नीचे ही विश्राम करता है। उनके लिए ये देखो इधर कूलर चल रहा है और ये गद्दे बिछे हैं। ये सारे सेवा के सेवादार। जय बाबरे भाई जी। ये देखो कितने तंदूर लगे हुए हैं, गर्मा गर्म परौंठे, लच्छा परौंठा, रोटी सब बनाने के लिए। भक्तों को हर चीज़ ना तो गर्मा गर्म मिलनी चाहिए। यात्रा में ऐसे बहुत कम मिलता है कि जहाँ पे तंदूरी रोटी लच्छा पराठा वगैरह मिल रहा हो, वरना तो क्या क्या पूरी खिचड़ी वगैरह ही मिलती है और भक्त को खा खा के ना उब जाते हैं यार। लेकिन ये दिल्ली वालों की सेवा है तो कुछ अलग तो देखने को मिलेगा ना। ये देखो यार श्री बाबा रामदेव से दिल्ली वालों को पता लगना चाहिए कि हाँ दिल्ली की सेवा तो अलग से है, वरना तो सब कुछ यहाँ पे एक से ही दिखते रहता है। यार सब प्रसाद होता है, इसलिए कहना तो गलत होगा, लेकिन जो भी है यार भक्तों को अगर अलग से चीज़ मिलती है ना कोई स्वादिष्ट खाना तो सारी ठिकानी को जाती है। ये देखो सारी तरह की सब्जियाँ, ये टमाटर घिया वगैरह सब एक किधर का पार्ट ये है। यहाँ सारी सब्जियाँ बन रही है, सब्जियाँ चावल ये सब तैयार है, मलाई कोफ्ता प्याज का अचार ये सब, ये सब डीप फ्रीजर लगे हुए सारे मक्खन दही दूध वगैरह रखने के लिए, इससे खराब ना हो, गर्मी बहुत होती है ना। इधर ये स्टोर सारे मिर्च मसाले वगैरह के लिए। ये देखो भाई साहब कितना सामान रखना पड़ता है ना, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन कुछ ऐसे ही तो होता नहीं है, हर चीज़ का एकदम स्टॉक तैयार रहना चाहिए। और इधर यात्रियों के लिए नहाने धोने की व्यवस्था, ये सामने बर्तन वगैरह की धुलाई वगैरह चल रही है, ये सब हर चीज़ साफ सफाई का पूरा ही ख्याल रखा जाता है एकदम। ये देखो भाई ये मैंने तो 2 घंटे हो गए इधर बैठे व्यवस्था देखते हैं लेडीज हो ना कितना। ये देखो देखो बहुत शान बन जाए, वरना रास्ते में नहाने के लिए कहीं लेडीज वाले कोई व्यवस्था नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे पूरी पक्की बाथरूम वगैरह बना रखे हैं, कोई किसी को दिक्कत ना हो यार। ये बाबा रामदेव से दिल्ली वाले। और भाई साहब ये है काकड़ा, इसकी तो सब्जी लाजवाब बनती है ना। और ये देखो एकदम ताजे ताजे एकदम भाई, हर चीज फ्रेश। ये किचन का तीसरा पार्ट ये देखो यार, इधर पूड़ियाँ उतर रही हैं गरम गरम, पूड़ियाँ पकौड़े ये सब गर्मा गर्म कॉफ्ते। हर चीज़ एकदम ताजी और फ्रेश गर्मा गर्म मतलब भक्त पे ऐसे लगता है कि बाबा का यार प्रसाद जो मिल गया ना और मन तृप्ति हो गया। ये कॉफ्तों की तैयारियाँ चल रही हैं कितने बड़े स्केल पे है वो यार। इधर ये आरती की तैयारी चल रही है, सुबह शाम दोनों टाइम एकदम बाबा की आरती इतने मन से होती है ना यार कि दिल खुशी हो जाता है। बाबा भी यहाँ पे दर्शन करने लगे आ गए। जय बाबरी बाबा। जय बाबरी। मैं तो रात कर लिया। हाँ कर लिया। हाँ ये हमारे दुन्नु भाई जी। जय बाबरी भाई जी। मनोज जी भक्तों से विनम्र निवेदन है।